हम हैं इस वक्त हेमकुंड साहिब की यात्रा पर। ये यात्रा गोविंद घाट से शुरू होती है जो कि 19 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। पहला पड़ाव पड़ता है घांगरिया गांव में। घांगरिया गांव के बाद ही असली कठिन परीक्षा शुरू होती है ट्रैकर्स की, श्रद्धालुओं की। ये यात्रा बेहद दुर्गम मानी जाती है, लेकिन यहाँ खूबसूरती के, प्रकृति के बहुत ही शानदार नज़ारे आपकी थकान को पल भर में दूर कर देते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये घांगरिया गांव है जो कि हेमकुंड साहिब की चढ़ाई के दौरान बीच में पड़ता है। हेमकुंड साहिब यूँ तो सिख समुदाय के लिए बेहद पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, लेकिन ये किसी ट्रैकर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रैकिंग प्लेस है। ये 13 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई अच्छे अच्छे ट्रैकर्स के पसीने छुड़ाने के लिए काफ़ी है। हम पहुंच चुके हैं गुरु गोविंद सिंह जी के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब में, जहां पर रहकर उन्होंने 20 साल तपस्या की थी। हेमकुंड के साथ साथ यहां पर एक लक्ष्मण मंदिर है जिसको लोकपाल के नाम से भी जाना जाता है। यहां दुनिया भर के श्रद्धालु आते हैं, साथ में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और बहुत सारे ट्रैकर्स भी यहाँ पर आते हैं।